हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम आ चुका है, तो ये एकदम सही समय है किसी भी प्लांट की कटिंग लगाने का। आज मैं बताऊंगी कि आप कौन कौन सी प्लांट की कटिंग इस समय लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, आप उस तरह से कटिंग लगा सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बारिश के मौसम में फ्रेंड्स, आप किसी भी कटिंग को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपको मॉइस्चर की कमी नहीं होती है, इसलिए कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो सही समय बारिश का मौसम ही होता है किसी भी कटिंग को लगाने का। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं कि आप इस समय किस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। आप फ्रेंड्स इस समय गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। आप किसी भी तरह के गुलाब की कटिंग इस समय लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने भी लगाई हुई है कटिंग, ये मैंने थोड़े दिन पहले लगाई थी। इसी की कटिंग का वीडियो मैंने डाला हुआ है। इसकी कटिंग को किस तरह से लगाना है वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कटिंग है फ्रेंड बोगनविलिया, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आप इसे एक बार लगा लेंगे तो ये परमानेंट प्लांट है। इसमें 4-5 कलर आते हैं जो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट की फ्रेंड्स ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, ये बहुत ही आसानी से प्लांट चल जाता है। बस इसको धूप ज़्यादा चाहिए होती है और पानी कम चाहिए होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगाई हुई है, ये भी मेरी कलम चल चुकी है। दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट सीज़न है, आप इसमें किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे वो बहुत ही आसानी से चल जाएगी। नेक्स्ट कटिंग है फ्रेंड्स कनेर की कटिंग। कनेर की कटिंग आप किसी पार्क वगैरह से ले आइए, वहाँ से आप ला के अपने गमले में लगा लीजिए। दोस्तों, इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं, इसमें वाइट कलर भी होता है और शेडेड में भी आते हैं ये। इसका फ्लावर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है फ्रेंड्स, इसकी कटिंग मैंने आज ही लगाई है। ये देखिए, मैंने इसको गमले में आज ही लगाया। अगर आप बड़ी कटिंग लगा रहे हैं तो उसको टच ना करें, अगर कटिंग हिल जाती है तो उसके चलने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट कटिंग है रेड कनेर की, ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई हुई है, 2-4 कटिंग इसी गमले में लगाई है। नेक्स्ट कटिंग है जेट्रोफा, इसके फ्लावर भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसके फ्लावर हमेशा बंच में आते हैं। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है फ्रेंड्स, इसकी लीफ आनी स्टार्ट हो गई है। इसे मैंने 10 दिन पहले लगाया था, ये देखिए इसमें लीफ आनी छोटी छोटी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट प्लांट है हिबिस्कस प्लांट, इसके फ्लावर भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें सेडेड में भी आते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ आती है इसमें। इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है, ये देखिए ये काफ़ी अच्छी चल रही है। बरसात का सीज़न है, आप लगाएंगे इस टाइम 100% सक्सेसफुल होगी। ये भी हमारा परमानेंट प्लांट है, ज़्यादातर मैंने जो भी प्लांट बताए वो सारे परमानेंट प्लांट हैं। आप एक बार इन प्लांट को लगाएंगे फिर इसी की कटिंग कर करके आप और ज़्यादा प्लांट भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है मधुमालती, इसकी भी फ्लावरिंग बंच में होती है, ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये बेल होती है, ये भी इसकी भी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कटिंग है हरसिंगार, इसे परिजात के नाम से भी जानते हैं और इसे अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।